नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है साधना बत्रा। हरियाणा की नायब सरकार लगातार पुलिस कर्मियों को राहत देने का काम कर रही है। इसी कड़ी में एक और राहत भरी खबर यह है कि अब पुलिस कर्मियों को उनकी वर्दी सस्ती दरों पर कैंटीन से मिलेगी। इसके अलावा हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक और बड़ी राहत देने का काम पुलिस कर्मियों को किया है। हरियाणा की नायब सरकार हर वर्ग का ख्याल रखते हुए लगातार काम कर रही है, चाहे वो गरीब वर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, व्यापारी हो या अन्य कोई वर्ग। इसके साथ ही हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों का भी खास ख्याल रखती है। वैसे तो पूरे प्रदेश के विकास के लिए हर विभाग के कर्मचारी का योगदान होता है, लेकिन पुलिस कर्मियों का योगदान इसलिए सराहनीय हो जाता है क्योंकि इनकी ड्यूटी सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। पूरे प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा इनके कंधों पर होता है। ऐसे में हमारे पुलिस कर्मियों को भी लगातार राहत देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई। इसके तहत अब पुलिस कर्मियों को सस्ती दरों पर वर्दी कैंटीन से मुहैया करवाई जा रही है। इसमें गर्मियों की वर्दी 1100 रुपए में पुलिस कर्मियों को दी जा रही है, तो वहीं सस्ती दरों में सर्दियों में भी वर्दी पुलिस कर्मियों को मिल सके, इसके लिए अगले सप्ताह कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। ये वर्दी मार्केट रेट से 3 गुना सस्ती होगी। इसके अलावा ब्रांडेड जैकेट भी काफी कम कीमत पर उपलब्ध करवाई जा रही है। हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर ने इस बात की जानकारी दी। साथियों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं हमने एक नई पहल पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए शुरू की है। इसमें वर्दी की जो आइटम्स हैं सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। समर यूनिफॉर्म 1150 रुपए में पीछे उपलब्ध करवाई गई और विंटर यूनिफॉर्म भी उसका करार अगले हफ्ते होने वाला है और जल्दी ही बहुत रीजनेबल रेट पर आप कैंटीन के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी प्रकार जूते जो बाटा और ली कूपर और लिबर्टी तीन ब्रांड्स के जूते हैं जो 1300 से लेके लगभग 1600 रुपए के बीच में इनकी कीमत रखी गई है और उनके सैंपल आपकी कैंटीन में पहुंच चुके हैं और इनकी मार्केट में कीमत कम से कम 3 या 4 गुना है। इसी प्रकार जैकेट का भी अनुबंध हो गया है मोंटे कार्लो कंपनी के साथ और बहुत अच्छी इंपोर्टेड क्वालिटी की जो मटेरियल है उससे बनी हुई जैकेट लगभग 1700 रुपए में आपको कैंटीन के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इस सारी कवायद का मकसद ये है कि जो राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म अलाउंस 2.5 गुना अभी बढ़ाया है और बढ़ा करके 7500 और 10000 रुपए किया है, उसी खर्चे में सारी यूनिफॉर्म की आइटम्स आपकी आ जानी चाहिए। इससे पहले भी सरकार पुलिस कर्मियों के लिए लगातार कदम उठाती रही है। सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के कल्याण की दिशा में कदम उठाते हुए वर्दी भत्ता, राशन भत्ता में वृद्धि, शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 2.5 से 3 गुना किया है। हरियाणा सरकार ने वर्दी अलाउंस 2.5 गुना से बढ़ाकर 7500 से 10000 किया है, उसी में सभी आइटम आ जानी चाहिए। इसी प्रकार पहले पुलिस के जवानों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नौकरी नहीं दी जाती थी। वर्ष 2019 में मौजूदा सरकार ने जवानों के आश्रितों को भी नौकरी प्रदान करने की ऐतिहासिक पहल शुरू की, जिसके तहत अब तक काफी लोगों को एक्स ग्रेशिया के तहत नौकरी प्रदान की जा चुकी है। इसी प्रकार पुलिस कर्मियों को मिलने वाले यात्रा भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले पुलिस कर्मियों को 10 दिन का यात्रा भत्ता मिलता था, जो अब बढ़ाकर 20 दिन कर दिया गया है। हमारे जो पुलिस कर्मी है जो दिन रात किसी भी समस्या को लेकर के या कोई क्राइम हो जाता है उनको बाहर रहना पड़ता है, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, मुस्तैदी से वो ड्यूटी करते हैं, उनका जो हरियाणा सिविल सेवा यात्रा भत्ता संशोधन नियम 2016 में भी ये हमने इस संशोधन को मंजूरी दी है
कि अब वो 10 दिन की बजाय उनके दैनिक भत्ते की सीमा 10 दिन से बढ़ा करके उसको 20 दिन कर दिया गया है, क्योंकि कई बार उसको 10 दिन से ज्यादा लग जाते थे और उसको 10 दिन का ही उसको भत्ते मिलते थे, परंतु 10 दिन से ज्यादा नहीं मिलता था, अब उसको 20 दिन कर दिया है ताकि उनको इस दिक्कत ना आए, उनको पूरा उसके भत्ते मिले, इसको भी आज हमने मंजूरी दी है। पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में सेवानिवृत्त तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए उनमें कौशल विकास किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के जिला मुख्यालय पर डीएवी संस्था के सहयोग से 22 पुलिस पब्लिक स्कूलों का सफल संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक पुलिस लाइन में ई लाइब्रेरी खोली जा रही है। पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए प्रत्येक पुलिस लाइन में जिम खोली गई है और 35 वर्ष से अधिक आयु के पुलिस कर्मियों के निःशुल्क स्वास्थ्य की जाँच की पहल भी शुरू की गयी है।